अभी उपचुनाव में, यदि उनको फिर भी वहाँ सम्मान नहीं मिला फिर यदि कांग्रेस में आने का वो कुछ नहीं। देखिए अब तो रास्ते बंद हैं, इस कठिन संघर्ष की घड़ी में कांग्रेस के साथ जो लोग खड़े थे, जिन लोगों ने संघर्ष किया, कांग्रेस को मजबूती देने की कोशिश की, वक्त आया तो वही लोग आगे रहेंगे। इस तरह के तत्वों की जगह मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में होना चाहिए। हमारा सिपाही कमज़ोर होगा तो भी हम युद्ध लड़ लेंगे और जीत लेंगे। सिंधिया जी और जो उनके साथी गए बीजेपी में, क्या लंबे समय तक निभा पाएंगे आप, क्या अब देखिए अभी तो बीजेपी परेशान है, ये ज्योतिराय सिंधिया का जो बालपन है ना, बाल हट उससे बीजेपी कुछ परेशान होने लगी है। अब देखते हैं, ये तो कोशिश में लगे हैं कि इनको केंद्रीय मंत्री बना दे, लेकिन जो ग्वालियर चंबल में 7 लोग हारे हैं, मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और अब बहुत ज़्यादा तवज्जो, अब देखिए कहीं भी पोस्टरों में सिंधिया का फोटो नहीं आ रहा है, चाहे उनका विजय रथ हो या संघर्ष वाला रथ था, अब जो विजय श्री मिली आप पोस्टरों में देख लो, कहीं सिंधिया जी का चेहरा नहीं है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाए की संभावना है अगर आते हैं तो कांग्रेस लेगी। नहीं नहीं, कांग्रेस में मेरे जैसा व्यक्ति यदि प्रदेश अध्यक्ष रहा या कांग्रेस की राष्ट्रीय पद पे रहा कहीं, तो मैं तो कभी भी सिफारिश नहीं करूँगा कि जिन लोगों की आदत गद्दारी की है, दोगलेपन की है, यदि इसी तरह कांग्रेस में हम उन्हें लेते रहे तो असली कांग्रेस शायद खत्म हो जाएगी। केला जी और ज्योतिरादित्य सिंधे की जो मित्रता हो जाती है, ये दोनों आपस में एक्सेप्ट मतलब निभा पाएंगे बीजेपी में? मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब कैलाश के घर सिंधिया जी बीजेपी में आने के बाद इंदौर आए, जब खाना खाने गए, अब वो आदमी है ही नहीं, वो भाग गए बंगाल, तो अब इससे अंदाज लगा सकता है कि मनोभाव दोनों के कैसे हैं। एक घर खाने जा रहा है, एक बंगाल, अरे एक दिन बाद चला जाता बंगाल, थोड़ी भाग रहा था यहीं रहता, तो इससे दोनों के मनोभाव पता चलते हैं। प्रदेश में उपचुनाव के बाद कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है? नहीं, देखिए ये शब्द मिथ्या है, क्योंकि शब्दों का आडंबर रच के भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में कुछ ना कुछ शब्द पकड़ती है और जीतने की कोशिश करती है। यदि आइटम शब्द में बहुत असरकारक होता कांग्रेस के खिलाफ, तो इमरती देवी क्यों हार गई, वो खुद ही हार गई, इमरती देवी जलेबी बन गई। तो ये तो अब शब्द पकड़ के, कभी मैं गरीब हूँ, कभी मैं कोरोना में अस्पताल में भर्ती हूँ, मैं चड्डी बनैन धो रहा हूँ, अरे कोरोना में सबको धोना पड़ता है भैया, किसी को जान ही नहीं देते।